वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोना है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्याति मिटोज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा हूँ इस वीडियो को दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड कलर का बटन दिखाई होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। दो इसको मैं अपलोड करूंगा, दो तीन पार्ट्स में अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैं आपको बताया था वीडियो में कि आपको ये 26 जनवरी का सीन दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ न्याति मिटोज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आ गए हैं और चलते हैं वहाँ के कुछ सीन देखते हैं क्या है वहाँ का नज़ारा। अब ये पीछे से देख सकते हैं, ये पीछे की ये बिल्डिंग है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारे और ये रंगोली का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, उसको देखेंगे। ये इन गेट है, इन गेट से अंदर जाके ये देखिए यहाँ पर रंगोली बनाया जा रहा है। और मौसी हैं जो हमारे गार्डन के, इन्होंने ये काम किया है, उनके द्वारा ही बनाया गया है। मामा है और उनकी बेटी है, ये इनके द्वारा ये काम हुआ है। ये सारे गार्ड्स हैं और इन गेट से अंदर आए हैं और ये देख सकते हैं, अब देखो कितना अच्छा खूबसूरत ये रंगोली हुई है, बना दिया है इसको। और सारी ये अच्छे सारे गार्ड वहाँ पे लगा दिए गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो क्लब हाउस है, क्लब हाउस में ही ये कार्यक्रम है कि सामने ही ये गार्डन है, चेयर्स वगैरह लगा दी गई हैं। और अभी और ये पीछे जो क्लब हाउस है उसी के जस्ट सामने ये तंबू लगाया गया है, दिखाऊंगा तो आपको कल मैं वीडियो में दिखाया था। और ये पीछे देख सकते हैं अभी तो फिलहाल चेयर्स खाली हैं क्योंकि अभी टाइमिंग 10 बजे का है, अभी लोग आए हुए नहीं हैं। गार्ड लोग आके तैयार हो गए हैं, अपने पोजीशन ले ली है क्योंकि इनको सल्यूट करना है फ्लैग्स को, झंडे को। और देख सकते हैं जो कल आपको दिखाया था झंडा, वो वहाँ पर लगा दिया गया है ऑलरेडी, देखो टांग दिया गया है, झंडा वहाँ पर लगा दिया गया है। अभी वो 10 बजे की होस्टिंग है, उसके बाद हम आपको शूट करके आपको दिखाएंगे। और कल जो स्टेज आपको दिखा रहा था, ये पीछे जो WTP है हमारा, पीछे से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है पीछे, और ये स्टेज जहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम होता है, कल ऐसे नॉर्मल ही था, रात भर में इतना अच्छा खासा सजा दिया गया है। और पीछे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत ही खूबसूरत बना दिया है इसको। और पीछे और कुछ देखते हैं, ये सारे स्टाफ के लोग जो हैं यहाँ पर आ गए हैं, तंबू के अंदर सब खड़े हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशन ले लिए हैं। और क्या क्या कुछ खास है आइए और कुछ देखते हैं। और पीछे आप देख पा रहे हैं बैलून्स देख रहे हैं, उसको अच्छे से लगा के ऊपर टांग दिया गया है, ये बैलून्स में हवा भरी गई है और वो जो हवा ऊपर उड़ता रहता है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ खाने का सामान भी आ गया है, ये जो खाने का सामान वगैरह जो है, केक्स वगैरह लगा दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये अभी थोड़ी 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा। और ये पीछे चलते हैं, ये सारे हमारे मैनेजर सर हैं और हमारे कर्नल सर हैं ऑर्गेनाइज़र। और पीछे आप देख सकते हैं जो भी लगा दिया गया है, चेयर्स वगैरह भी खाली हैं, टेबल्स वगैरह सजा दिए हैं हम लोगों ने। कुमार भाई हैं हमारे जो बहुत ही हेल्प करते हैं हम लोगों का हमेशा से, और अच्छे से कार्यक्रम सफल हो। और हमारे कर्नल सर हैं जो हमेशा हम लोगों को पूरा सहयोग करते हैं, इन्हीं के सहयोग से कार्यक्रम सफल होता है। बस दोस्तों, बस इतना ही है काफ़ी, और कुछ आगे कार्यक्रम स्टार्ट होने की स्थिति में है। अभी तो सुबह के 9 बजे हुए हैं, 10 बजे जब फ्लैग होस्टिंग होगी वहाँ पे गार्ड लोग जहाँ पे खड़े हैं, तो फिर मैं आपको आगे की सीन दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहना हमारे इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। फ्रेंड्स, तो वीडियो हो रही थी बहुत बड़ी, इसलिए वीडियो को कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। तो आगे 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 की सीन देखने के लिए आपको दूसरी वीडियो में जाना होगा, आप ये आगे की सीन आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।